हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट माइनेट मैं राहुल गौतम आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर आज लेके आया हूं क्विक रिवीजन सीरीज में क्या गुडविल अच्छा गुडविल का वैल्यूएशन मैं आपको बेसिकली कराने वाला हूं और वैल्यूएशन के लिए तीन मेथड है तो तीन वीडियो लेके आऊंगा डोंट वरी ठीक है अब वैसे तो आप उसको चार या पांच भी कर सकते हो लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तीन मैथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के लेकिन उसके पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सर व्हाट इज गुडविल ठीक है तो मैथड तो है मैं आज एवरेज प्रॉफिट मैथड कराऊंगा आपके लिए वॉट इज गुडविल सर गुडविल एक ऐसी इमेज होती है कंपनी की इट्स अ गुड इमेज जिसके कारण कंपनी जो है वो जनरेट कर सकती है सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मतलब कि सर का 10 है और मेरा आर ओ आई सर ना ट्वेंटी परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट इज टेन परसेंट इन सिमिलर इंडस्ट्री और मैं ट्वेंटी परसेंट से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं सर जो डिफरेंस अराइज हो रहा है ना जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल है ना तो गुडविल सिर्फ अच्छी इमेज होना नहीं होता उस इमेज से मुझे एक्सिस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जनरेट करना है दैन इट इज नोन एज गुडविल राइट तो अब इसका वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वैल्यूएशन परपज से हमारे पास तीन मैथड है उसमें पहली मैथड है एवरेज प्रॉफिट मैथड अब एवरेज प्रॉफिट मैथड में भी हम क्या करते हैं एक होती है सिंपल एवरेज और एक होती है वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट इतना सा कहता है सर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का कि सर देखो बात समझना जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है ना है ना एवरेज प्रॉफिट में भी मैंने क्या बोला सिंपल सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और एक होता है वेटेड एवरेज इट्स नथिंग वट क्या होता है वेटेड एवरेज में सर कि सर जो रिसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है ना उसका वेट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लास्ट टू ईयर थ्री ईयर का क्योंकि वो तीन साल पुराना प्रॉफिट है वो रिपीट होने की संभावना कम है करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा इंपैक्ट करेगा आपके वैल्यूएशन को या रिसेंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा इंपैक्ट करेगा तो जो रिसेंट ईयर होते हैं उनको वेट नंबर बड़ा असाइन करते हैं और जो पीछे जैसे जा जाते हैं उसको हम वेट कम असाइन करते हैं राइट सिंपल एवरेज में कुछ नहीं करना होता है जितने साल हम कंसिडर कर रहे हैं उतने साल का प्रॉफिट प्लस करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कर लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है बात समझ में आई अब समझो बात को कि सर गुडविल कैसे निकालना है तो सिंपल है गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वस टू एवरेज प्रॉफिट क्या है एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस अब ये क्या होता है सर ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से हमारा मतलब ये है कि मैंने अगर किसी बिजनेस को परचेस किया मैंने किसी गुडविल परचेस की तो वो गुडविल मुझे कितने सालों तक सुपर प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करेगा कितने सालों तक उसके कारण मेरी प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट होने वाली है दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ऑफ इयर्स तो बेसिकली इट्स अ फ्यूचरिस्टिक इसमें नोनेट लगाते हैं मुझे लगता है दो साल तीन साल इनका फायदा होगा चार साल फायदा होगा उसके बाद मेरी अपनी खुद की बन जाएगी या उसके बाद फायदा होना बंद हो जाएगा राइट एक बात अब आता है दूसरा एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है देखो भैया एवरेज प्रॉफिट जो है ना मैं बोला दो मैथड होती है तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू अंडर सिंपल मैथड प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर जितने भी साल वो लेने के लिए बोलेगा ऐसे करके हम एन नंबर ऑफ ईयर तक जा सकते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स एक तो एक तरीका हो गया अगर वेटेड एवरेज में इसको बैप बोलते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट बैप बैप का फॉर्मूला क्या होता है वेटेड वेटेड प्रॉफिट ऑफ ईयर वन वेटेड प्रॉफिट ऑफ ईयर टू लाइफवाइज चलेगा और यहां पर हो जाएगा टोटल ऑफ वेट टोटल ऑफ वेट तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी कि बैप आ जाएगा मेरे पास तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में मुझे बैप से पूछा है यानी कि एवरेज पूछा है या सिंपल पूछा है? जब तक कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वेट उनको गिवन देना पड़ेगा वेट दिए तो समझ जाऊंगा वेटेड एवरेज पूछ रहा है वेट गिवन नहीं समझ जाऊंगा सिंपल एवरेज पूछ रहा है क्लियर बात अब एक और प्रॉब्लम आती है क्या प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट्स क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं सर देखो आपकी ना फैक्ट्री में आग लग गई फैक्ट्री में आग लग गई ना तो आपका माल पचास हजार का चलाता था लेकिन आपको क्लेम एक लाख का मिल गया पचास हजार का आपको प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया या क्लेम नहीं मिला आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया हर साल आग नहीं लगती ना तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं ऐसे कुछ आइटम होते हैं जो प्रॉफिट में या तो इंक्लूडेड होते हैं या एक्सक्लूडेड होते हैं बेसिकली बेसिकलीस आर नोन नोनेस एबनॉर्मल आइटम्स अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम आपके प्रॉफिट में है या लॉस में है तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा नंबर वन नंबर टू कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है हमसे स्टॉक का ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन हो सकता है तो उसका भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो इन केस ऑफ एडजस्टमेंट्स वी विल कैलकुलेट दी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे देन फिर हम मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूशन कर लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज ओके क्लियर बात है जी कॉन्सेप्ट का चलो

तो सबसे पहला ईयर मेरे पास क्या है थर्टीन फोर्टीन फिर मेरे पास ईयर है फोर्टीन फिफ्टीन देन आई एम हैविंग फिफ्टीन सिक्सटीन फिर सिक्सटीन 17 और फिर है सेवनटीन एंड एटीन और यहाँ पे है मेरे पास प्रॉफिट प्रॉफिट्स फिफ्टी फोर्टी सेवेंटी फाइव फिफ्टी फोर्टी सेवेंटी फाइव दैन वी आर है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लॉस को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एंड लास्ट वन इज फिफ्टी थाउजेंड अब मुझे क्या करना है एडजस्टमेंट अब मुझे क्या करना है एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही साल में है कौन से साल में फोर्टीन फिफ्टीन में दस हजार का अब हवा लॉस माइनस हो चुका होगा तो ये फोर्टीन फिफ्टीन में टेन थाउजेंड क्या मुझे प्लस कर देना चाहिए बाकी ईयर्स में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो ये क्या आ गया मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट दैट इज़ फिफ्टी थाउजेंड और ये भी फिफ्टी हो जाएगा सर और ये सेवेंटी फाइव इज है सर एंड ये माइनस का ट्वेंटी फाइव है सर और लास्ट वन इज़ फिफ्टी तो जब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 2 लैक हो जाएगा सर नंबर ऑफ ईयर इज 5, तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज 40,000 है ना गुडविल का फॉर्मूला बोलो गुडविल इज इक्वल्स टू एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आप इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आप ये हो गया फोर्टी थाउजेंड और ईयर ऑफ परचेस थ्री बोला था तो वैल्यू ऑफ गुडविल वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड इन दिस केस कर लिया ना मैंने इजीली कैलकुलेट बस आप भी ऐसे ही कर लेना एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो जल्दी से एक बार स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए एक क्वेश्चन और लाया हूं आपके लिए चले आ जाओ ये क्वेश्चन हो गया डन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर एवरेज प्रॉफिट में

उसेंड ऑन सेल ऑफ एसिट्स ये कुछ हमें ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट करना है आप लिखेंगे यहां पर सबसे ऊपर सोल्यूशन और क्या पूछा है बस सीधा लिख दो गुडविल तो लिख दो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इन टूट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला है ना एग्जाम में ऐसे ही करके आना बेटा ठीक अब आता है क्वेश्चन कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ कौन कौन से साल हैं सर यहां पे साल ले लो आप तो इक्कीस बाईस तेईस ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स राइट चलो सर ये तो बेसिक वर्किंग हो गई अब मैंने क्या बताया था कि हमें ऐसा टेबुलर बना लेंगे यर्स इसमें आएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री फिर आ जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट क्या क्या है मेरे पास वन वन टेन एट्टी फाइव वन लैख वन लैख टेन थाउजेंड एट्टी फाइव थाउजेंड अब आएगा एडजस्टमेंट चलो तो वन लैक इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड कामल गेन बचा हुआ इसमें है यानी कि प्लस हो चुका है हर साल तो तो होता नहीं है तो क्या मुझे इस abnormal gain को minus कर देना चाहिए बिल्कुल सर एबनॉर्मल गेन जो प्लस था उसको माइनस कर दो फिर क्या है आफ्टर चार्जिंग एन एवनॉर्मल लॉस ऑफ ट्वेंटी था ना तो प्लस कर दो सर हर साल नहीं होता अब नॉर्मल है सर सेल ऑन फिक्स एसेट्स ना आपका कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं है ये तो आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है इंक्लूडेड है ना माइनस कर दो तो क्या आ गया आपके पास आपके पास आ गया सर एडजस्टेड प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया सर ये आ गया नाइनटी थाउजेंड ये आ गया वन लैख थर्टी थाउजेंड और ये आ गया सर एटी थाउजेंड कितना हो जाएगा सर जी कर लो ना प्लस तीनों को जीरो 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 बारह आठ बीस टू थ्री ये हो गया थ्री लैख एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज थ्री लैख नंबर ऑफ इयर्स इज थ्री लैख तो आप आगे आने की एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज वन लैख एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इज वन लैख इन टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेसेस टू तो टू से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल इज टू लैख कर लो जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट कैप्चर फटाफट स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है कर लेंगे स्क्रीन शॉट कैप्चर बढ़िया देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ किया हुआ मैंने क्वेश्चन प्रेजेंटेशन थोड़ा ऐसा ही करना जो पूछा वहां शुरुआत करो ना चलो यू मस्ट हैव है स्क्रीन शॉट इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रही मेरे साथ मैग्नेटवें के साथ मैग्नेटवें मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है हंड्रेड परसेंट कंप्लीट फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग फ्रॉम के जी टू क्लास ट्वेल्थ इसके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स देख सकते हैं इसको हमने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैग्नेट बिज डॉट कॉम पर चैप्टर वाइज अपडेट कर दिया गया जाके चेक कर लीजिए इसके अलावा आप देख सकते हैं स्पोकन है सीयूटी है एनटीएससी ओलंपियाड है हिंदी मीडियम है यूपी बोर्ड है बिहार बोर्ड है और एमपी बोर्ड है, हो। है अवेलेबल होती है जाके चेकआउट करना ना भूलें वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग